कि एक पंडित जी और पंडितानी खूब लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। एक दिन ठाकुर जी पंडित जी को सपने में दर्शन देने के लिए आए। बोले, पंडित जी आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत सेवा करते हो। अब तक तो तुम खाली मूर्ति को भोग लगाते थे, लेकिन कल मैं साक्षात तुम्हारे घर पे आऊंगा और अपने हाथों से तुम मुझे भोग लगाना। अब पंडित जी इतने खुश हुए। अब सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे सुबह हुई, पंडितानी को सुबह सुबह उठा दिया। अरे पंडितानी, जल्दी उठ, आज मेरे ठाकुर आने वाले हैं। अब पंडितानी सुबह सुबह उठी, स्नान किया, सबने नित्य कर्म किया। बोले, स्वादिष्ट पकवान बनाना, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना, आज मेरे ठाकुर भोग लगाने के लिए आ रहे हैं। अब प्यारे पंडितानी ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए, स्वादिष्ट पकवान बनाए। वैसे पंडित जी और पंडितानी सुबह सुबह नाश्ता कर लेते थे, लेकिन आज भाव कुछ और ही थे कि आज ठाकुर जी भोग लगाने के लिए आ रहे हैं। 9 बज गए, 10 बज गए, पंडित जी और पंडितानी इंतजार में, क्योंकि सुबह सुबह समय हो गया था नाश्ते का। अब पंडित जी पंडितानी को देखे और पंडितानी कि जल्दी भगवान आए तो उनको भोग लगा के हम भी भोजन पाए। कोई बात नहीं पंडितानी, क्योंकि भगवान कभी झूठ नहीं कहते, बोला है तो जरूर आएंगे। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। अब तो नाश्ता भी नहीं किया, अब दोपहर का टाइम हो गया तो पेट में चूहे कूदने लगे दोनों के। अब पंडितानी कहती है, पंडित जी एक काम करो, तुम इंतजार करो, मैं भोजन कर लेती हूं। बोले, नहीं पंडितानी, जब इतने दिन हमने खाया ही है, अब ठाकुर जी के लिए इंतजार कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। अब गर्मी का समय था प्यारे, कहते हैं सुबह का बनाया हुआ दोपहर तक थोड़ा थोड़ा भोजन गड़बड़ाने लग जाता है। भोजन की थाली लगाई थी, क्या हुआ, भगवान तो आए नहीं। जब कहते हैं भोजन खुला छोड़ दो तो क्या आ जाती हैं, मक्खियां आ जाती हैं। अब जैसे मक्खियां भोजन पे बैठने लगी, पंडित जी पंखे से उसको भगाने लगे। क्यों, पहले भगवान को भोग लगेगा, कैसे मक्खियों को आने दो। शाम हो गई, ध्यान देना, अब तो क्या हुआ, जब भोजन थोड़ा थोड़ा खराब होने लगा तो चींटियां भी आने लगी। अब पंडितानी को गुस्सा आ गया, पंडितानी चींटियों को भगाने लगी। एक अंदर क्रोध, दूसरा भूख। फिर जैसे क्या देखा, एक भिखारी आया, बेचारा कई दिनों से भूखा था, हालत फट खराब थी। भिक्षाम देही, कुछ है तो दे दो, भूख लग रही, कुछ खाने को दे दो। अब पंडित जी को क्रोध आया, क्योंकि भगवान नहीं आए। बोले, अभी तुझे आना था, भगवान के आने के बाद आ जाता। उस पंडित जी को भी भेज दिया, क्योंकि जब तक भगवान नहीं भोग लगाएंगे तो तुझे कैसे खिलाऊं, जब मैंने नहीं खाया तो। भिखारी को भी भगा दिया। अब प्यारे, जैसे रात हो गई, पंडित जी और पंडितानी को क्रोध की सीमा ना रही। अब तो पंडित जी भी कहने लगे, अरे भोजन में बदबू आनी चालू हो गई, ये भोजन को फेंक दे। पंडितानी ने जैसे ही भोजन फेंका, वहीं गली के 2-4 कुत्ते थे, उन्होंने वो प्रसाद खा लिया। अब तो पंडित जी पंडितानी को बहुत क्रोध आया, भूखे ही सो गए। अब जैसे पंडित जी भूखे सोए, आधी रात को सपने में ठाकुर जी फिर आ गए। बोले, पंडित जी क्या हाल चाल है। बोले, भगवान अब तक तो हमने सुना ही था कि आप छलिए हो,
आप धोखेबाज हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो। आज देख भी लिया। बोले क्या देखा? बोले आपने मुझसे वादा किया था कि आज मैं तेरे घर पे आके भोग लगाऊंगा। देखो आपके चक्कर में पंटानी कभी इतना बढ़िया पकवान नहीं बनाती थी, आज उसने बढ़िया पकवान भी बना लिया। कभी भूखी नहीं रहती थी तुम्हारे चक्कर में, आज वो सारा दिन भूखी भी रही और आप आए भी नहीं, हमें भूखा ही रहना पड़ा। भगवान कहते हैं कौन कहता है कि मैं नहीं आया? भगवान कहते हैं कि कौन कहता है कि मैं नहीं आया? अरे मैं एक बार नहीं कई बार आया। बोले कब आए? बोले सबसे पहले मैं मक्खियों के रूप में आया। तू पहचान तो सही कि जरूरी नहीं कि मुरली हाथ में लेके आऊं तभी पहचानोगे, मैं पीताम्बर ओढ़े आऊं तभी पहचानोगे, या मैं गोपियों के साथ में आऊं तभी पहचानोगे। अगर मन में विश्वास हो ना तो पत्थर में भी भगवान दिख जाता है, और मन में अगर विश्वास ना हो तो चतुर्भुज रूप में भगवान भी आ जाए तो प्यारे पहचान नहीं पाता इंसान। क्यों? अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, अहंकार का पर्दा पड़ा रहता है। भले मैं एक बार नहीं कई बार आया, तूने हर बार मुझे उल्टा लौटा दिया, हर बार भगा दिया। पहले चींटियों के रूप में आया तूने भगा दिया, मक्खियों के रूप में आए फिर भगा दिया। फिर मैंने सोचा शायद मैं इंसान के रूप में भी आके देख लूं, मैं भिखारी बन के भी आया, अरे अब तो पहचान ले, उसको भी तूने भगा दिया। फिर मैं गौ माता के रूप में आया तूने उसको भी भगा दिया। बोले लेकिन सच बताऊं, तुम्हारा भोजन था बहुत स्वाद। बोले प्रभु तुमने कब भोग लगाया? बोले जब तुमने फेंक दिया। फेंकने के बाद किसने खाया? कि जब मैंने वादा किया था तुमने हर बार भगा दिया, लेकिन अब तुमने फेंक दिया, अब तो बाहर मेरा ही राज था। लेकिन उस खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी, कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, कोई बुलाने वाला तो चाहिए। है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु थोड़े आते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से थोड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं।